जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेडी जी। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूपीएससी के लिए। जो हिंदी माध्यम के लोग हैं वो पहले सबसे पहले यूपीएससी को उनको समझना होगा, है ना। तो इस चैनल पर कुछ नई शुरुआत होने वाली हैं, तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो घंटा है वो बजा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आने वाले समय में जितने भी वीडियो आएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड। एक तरह से छोटी सी क्रांति मान के चलिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगी इससे, क्योंकि हमें चेंज करना होगा अपना स्टडी का जो लेवल है, पैटर्न है, वो सब कुछ जो है चेंज करना पड़ेगा। आज मैं आपको थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बताऊँगा कि यूपीएससी किस प्रकार से चीज़ें रहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा, और हिंदी मीडियम वालों को कैसे एक तरह से सिलेक्शन पहले बहुत ज़्यादा होते थे, वो धीरे धीरे कैसे डेक्लाइन उनका होता गया, उनके रीज़न क्या थे, है ना, ऐसे क्या स्थिति हुई जिससे ऐसी चीज़ें आई, और छोटा सा सी सेट का जो एक आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सभी को पता है। और ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी भी इसमें कुछ भी नया आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने देखा और छोड़ के चले गए, ठीक है। क्योंकि अब जो भी बातें होंगी इस चैनल पर, बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आपके सिलेक्शन में बिल्कुल सहायक होने वाला है, है ना। तो देखिए यूपीएससी, एक सेकंड, यूपीएससी का जो कितने सेलेक्ट लोग होते थे, तो पहले उसका प्रोसीजर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 2010 से पहले का जो स्थिति थी, यदि हम हिंदी मीडियम वालों की बात करें, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम वाला रहा था, तो मैं आपको क्या करूँगा, हिंदी मीडियम से ही रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा बताऊँगा। इंग्लिश मीडियम के तो जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों में जो कमी कहाँ रह रही है, किस प्रकार से सिलेक्शन का जो संख्या थी वो इतनी डाउन कैसे हो गई, उनके कुछ रीज़न खोजेंगे हम। 2010 से पहले की जो स्थिति थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो एक तरह से स्वर्ण युग मान लीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में कि साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को, इसी प्रकार से मांगे चलिए हिंदी माध्यम वालों के लिए स्वर्ण युग था 2010 से पहले का, ठीक है। 2010 में थोड़ा सा यूपीएससी ने क्या किया, हल्का सा चेंज किया था पैटर्न, केवल क्वेश्चन फॉर्मेट में बस, है ना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 2010 से पहले का। हिंदी मीडियम की लगभग संख्या यदि बात की जाए, क्योंकि मैं इस समय भी रिसर्च एक तरह से इस चीज़ पर कर रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट्स पर, है ना। यूपीएससी जो एनुअल रिपोर्ट निकालती है अपनी, उन पर आधारित होगी जो भी चीज़ें होंगी, तथ्यात्मक होंगी। थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कारण बिना जाने उसका प्रिकॉशन लेना भी कैसे ले सकते हो आप, है ना। तो स्वर्ण युग माना जाता था, क्योंकि लगभग ये मान चलिए 40 से 45% जो लोग होते थे वो हिंदी मीडियम से होते थे। सोचिए 40 से 45% लोग सिलेक्शन किससे होते थे, हिंदी मीडियम वालों के, और बाकी का अन्य लैंग्वेज। और होना भी चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले होते हैं वो हिंदी पट्टी के ही लोग होते हैं। आप मुखर्जी नगर ले लीजिए, ठीक है, इलाहाबाद ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं, खासकर दिल्ली जो कि आईएएस कॉलोनी के नाम से ही फेमस है। तो लगभग 2 लाख लोग रहकर एक तरह से तैयारी करते हैं, केवल रहकर। और इस समय फॉर्म डालने वालों की संख्या कितनी हो चुकी है, 10 लाख। 10 लाख में से भी आप डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे, या फिर आपको बता दिया जाता है वो डेटा, उसमें भी लगभग ये मान चलिए 50 से 60% जो लोग होते हैं वो केवल और केवल मात्र, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60% लोग हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं फॉर्म भरने वाले। सोचिए सिलेक्शन का प्रोसेस पहले बहुत अच्छा रहता था, काफ़ी अच्छा रहता था, 40 से 45%। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2011 में आप सभी को पता है एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया यूपीएससी के द्वारा, पैटर्न चेंज हो गया। किसका, प्री का, ठीक है। प्री के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सी सेट लाया गया। लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा रहेगा,
है ना, सबको समान कर देगा, बहुत सारी चीज़ें एक तरह से निकल के आई। लेकिन कुल मिला के ये था कि हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर फिसल गए, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट डाउन होने लग गया 2011 से। 2011 बीत गया, 12 बीत गया, 13 बीत गया, फिर से एक चेंज आया। यहाँ पर क्या हो रहा था, डेक्लाइन हमेशा होता जा रहा था हिंदी मीडियम वालों का। पहले डायरेक्ट यहाँ से 40%, यहाँ पर 40 से 45% होते थे सेलेक्ट, यहाँ पर कितने सिलेक्शन 2011 में हो गए, 2011 में एकदम से गिर के 10% रह गया, केवल केवल और केवल 10% रह गए। 10% लोग ही एक तरह से हिंदी मीडियम प्लस अन्य लैंग्वेज वाले, इंग्लिश के अलावा, वो लोग इतने ही सेलेक्ट हो पाए 2011 में। 12 में और डाउन हुआ ये प्रोसेस, 13 में स्थिति और एक तरह से भयानक हो गई। कैसे हो गई, जब मेंस का पैटर्न चेंज हुआ, जब तक हिंदी मीडियम वालों ने थोड़ा सा सीखा था प्री को समझना, सीसेट को समझना, तब तक यहाँ पर मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, यानी कि चेंज हो गया, कहने का तात्पर्य है। और ये हिंदी मीडियम वालों को कैसे इफेक्ट किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा, क्यों इफेक्ट किया इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, बहुत गहराई से बात करूँगा। तो 2013 में जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें मेंस का पोर्शन जो है चेंज हो गया था पूरा का पूरा, जीएस के पेपर 4 कर दिए गए थे, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं। बस 2013 में क्या हुआ था कि जो इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है वो कंपलसरी हटाकर, यानी कि हिंदी का भी हटा दिया गया था और इंग्लिश का भी कंपलसरी पेपर हटा दिया गया था, और मेन स्ट्रीम में यानी कि जिनके नंबर जुड़ेंगे उसमें इंग्लिश का पैटर्न जोड़ दिया गया था। बाद में कुछ चीज़ें हुई, ठीक है, आंदोलन तो नहीं हुआ था उस समय कोई भी, लेकिन राज्यसभा में कुछ प्रश्न उठे जिसके कारण यूपीएससी ने वो फैसला वापस ले लिया था, इंग्लिश वाला, इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। ये चेंज हुआ था 2013 में। तो मैं अभी आपको यूपीएससी की हिस्ट्री बता रहा हूँ क्या प्रोसीजर रहा। जैसे ही 13 में मेंस चेंज हुआ, एकदम से हिंदी मीडियम गायब हो चुका था पूरी तरह से। मुश्किल से कुल मिला के शायद उस समय, उस साल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 25 के आसपास लोग सेलेक्ट हुए थे अदर लैंग्वेज वाले केवल, और लगभग शायद 1000 के आसपास सीट्स होंगी, रही होंगी लगभग 1000 के आसपास, जिसमें से 25 लोग ही केवल सेलेक्ट हुए थे हिंदी प्लस अदर लैंग्वेज वाले। जब मैं हिंदी शब्द यूज करूँ ना कि हिंदी मीडियम के 25%, तो उसी में आप इंक्लूड कर लीजिएगा अदर लैंग्वेज को, ठीक है, यानी कि इंग्लिश वर्सेज अन्य लैंग्वेज, अन्य भाषा, ठीक है। अब आता है क्रांति का काल। ये तो था क्रांति, यूपीएससी की क्रांति। अब क्रांति होती है स्टूडेंट की, जो भरा पड़ा था स्टूडेंट के अंदर कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, वो कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसका, जबकि अन्य उसी का साथी इंग्लिश मीडियम से है, वो तैयारी कर रहा है अच्छे से, उसका हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रडिक्शन पैदा हो गया, उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी मीडियम के साथ ये भेदभाव है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से क्या हुआ, एक आंदोलन क्रिएट हुआ सी सेट को हटाने का, 2013-14 के अंदर ये चला था। उस समय मैं दिल्ली में ही था, मैं भी एक शामिल हुआ आंदोलन में, छोटा सा सैनिक था, ठीक है। तो हमें बहुत ही गुस्सा आता था उस समय कि हिंदी वालों से एक तरह से भेदभाव ही मान के चलिए ये, क्योंकि सिलेक्शन एकदम से डाउन हो गया तो भेदभाव भी हो गया ये तो। लेकिन ये क्या यूपीएससी का भेदभाव था या नहीं था, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल धैर्य बनाकर सुनिएगा, बारीकियाँ बहुत बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आंदोलन स्टार्ट हुआ, आंदोलन के बाद मेंस चेंज हो गया था, 2014 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। 14 के एग्ज़ाम में आंदोलन का फ़र्क पड़ा, क्योंकि उस समय चुनाव थे, ठीक है। चुनाव के कारण क्या हुआ, जैसे ही नई सरकार आई तुरंत ही उसने इंग्लिश पेपर बन चुका था हालांकि, लेकिन इंग्लिश का जो पोर्शन था वो उन्होंने सी सेट से हटा दिया, क्योंकि इंग्लिश से संबंधित आंदोलन हुआ था। हालांकि पूरे सी सेट को हटाने की बात हो रही थी, पुराना पैटर्न लाने की बात हो रही थी, या फिर सी सेट को हटा दिया जाए, इस प्रकार की बातें हो रही थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, केवल और केवल इंग्लिश को हटा दिया गया। इंग्लिश को हटाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा हिंदी मीडियम वालों पर, क्योंकि कमी यहाँ नहीं थी बिल्कुल भी, जो कि मैं आज बताऊंगा आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, बिल्कुल भी नहीं थी। 2014 में फिर से
एग्ज़ाम दिए, फिर से रिजल्ट का वही असर हुआ, 30-25-30 लोग फिर से सेलेक्ट हुए, बस ज़्यादा नहीं, 2014 के अंदर। बस 14 के अंदर क्या हो गया कि निशांत जैन जी 13वीं रैंक आ गई उनकी, 13वीं रैंक आ गई, यानी कि एक अच्छी रैंक, काफ़ी दिनों बाद 13वीं रैंक आई हिंदी मीडियम से। तो हो हल्ला इतना मच गया चारों तरफ, इतना मच गया कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होने लग गए एक तरह से। देखिए ऐसा होता है, जैसे एक गांव के अंदर एक कोई व्यक्ति बन जाता है, जैसे एक शहर से बन जाता है, जैसे मान लीजिए आगरा है, तो आगरा से या दिल्ली से, आगरा से सॉरी दिल्ली नहीं कहेंगे, आगरा से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बन गया तो उसका न्यूज़पेपर में आएगा, दूर दूर तक लोग कहेंगे कि आगरा से सिलेक्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार से क्या हो गया, अच्छी रैंक आ गई 13वीं, अब क्या लगने लग गया लोगों के मन में, भ्रम पैदा होने लग गया कि सिलेक्शन हो रहे हैं, एक तरह से हिंदी मीडियम जागृत है। लेकिन टोटल सिलेक्शन को देखा जाए तो वही 25 से 30 ही रहा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़े से एडॉप्शन में थोड़े से कमज़ोर मान के चलिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं भी रहा हूँ इस वजह से। क्यों कमज़ोर है, क्योंकि वो धीरे धीरे सीखने की लर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा डाउन है, और वो डाउन क्यों है उसके बारे में भी आज मैं बात करूँगा बहुत ही डीपली। तो 13वीं रैंक आ गई, 25 से 30 लोग फिर से सिलेक्शन हो गए, यानी कि आंदोलन हुआ, सीसेट भी एक तरह से किया गया, इंग्लिश भी उठाई गई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आती है स्थिति 2015 की, 2015 में जनवरी में एक तरह से पता पड़ जाता है कि अगस्त में एग्जाम था, और फरवरी में शायद पता पड़ जाता है कि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि सीसेट को अब क्वालिफाई किया जा रहा है। अब लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आई कि हाँ अब जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया, अब हिंदी मीडियम वाले अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि वो सीसेट के कारण रुकते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्वालिफाई किया, और उसमें कुछ चीज़ें और चेंज की गई, जैसे एज अटैम्प्ट चार होते थे, 6 कर दिए गए जनरल, 30 से उम्र 32 कर दी गई, क्योंकि आंदोलन का असर था ये, काफ़ी सारी मांगें थी, वो मैं आज बताने नहीं जा रहा हूँ, वो कुछ लोगों को पता होगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में मैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो भी जानना ज़रूरी है, आप जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, कैसे कैसे प्रक्रियाएं चल रही थी उस समय। तो 2015 में सीसेट हट गया, ठीक है, केवल जीएस रहा, बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा हिंदी मीडियम वालों के सिलेक्शन पर, वही लगभग 25 से 30 ही लगभग फिर से, ये सब रिपोर्ट में है, ठीक है, जाके वहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था कि इतने आंदोलन हुए, आंदोलन मैं ये मानता हूँ आंदोलन को असफल, उन्होंने केवल मांग मनवा दी, लेकिन जो आंदोलन हुआ था उसका मुद्दा जो था वो नहीं समझ पाए लोग, वो नहीं समझ पाए, यूपीएससी सीसेट क्यों लेकर आई थी वो, उसने मेंस क्यों चेंज किया, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है, और ना आज तक किसी का गया है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना। बिल्कुल भी चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में स्थिति क्या हुई, 16, 17, 18 इस साल मान लीजिए सेम स्थिति वही, कोई बदलाव नहीं है हिंदी मीडियम के रिजल्ट में, यानी कि 45% पर 40 से 45% 2010 से पहले सेलेक्ट हुआ करते थे, आज वो 2% के आसपास ही रह गए हैं, 2 से 3% बस, हिंदी मीडियम प्लस अदर लैंग्वेज, है ना, दोनों मिला के 2 से 3%, बाकी का 97-95% आपका इंग्लिश मीडियम ही हावी है। तो ये क्या मीडियम की लड़ाई है, क्या कोई भेदभाव है, या फिर हिंदी मीडियम वालों की क्या कमी है आखिर अंदर, क्या कमी है उनके अंदर, क्या डीएनए में घुस चुका है ये चीज़ हमारे, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए क्यों हुई है ऐसी स्थिति, मन में एक सवाल आएगा, आखिरकार हिंदी मीडियम वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है उनके। देखिए यूपीएससी का पैटर्न कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले ये हमें जानना होगा, क्योंकि हमने आंदोलन करके देख लिया, कुछ असर नहीं हुआ, हमने
देखिए अब क्या होगा कि पुराना पैटर्न तो लेके नहीं आ सकते हैं, तब तो एक तरह से ये मान चलिए बदलाव के एक तरह से खिलाफ हो जाएंगे, है ना। हमें बदलाव कहाँ करना होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा कि 2011 में जो पैटर्न आया सी सेट का और 2013 में जो मेंस का पैटर्न आया, आखिरकार वो अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? क्या इनके दिमाग में आया हमारे भारत के जो कमेटी में जो होते हैं लोग यूपीएससी की, उनके दिमाग में आखिरकार कहाँ से ये आइडिया आया कि ऐसी चीज़ें रखी जाए? तो इस पर रिसर्च हुए बिल्कुल पूरी तरह से कि किस प्रकार से चीज़ें को किया जाए जिससे स्टूडेंट आए, कैसा स्टूडेंट आए। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे 2010 से पहले, परंपरागत चीज़ें, परंपरागत ही एक तरह से क्वेश्चन आते थे, परंपरागत ही लेखन शैली होती थी और परंपरागत रूप से ही, परंपरागत यानी कि अकेडमिक लेवल, ठीक है, अकेडमिक लेवल। और अकेडमिक लेवल में आपको बता दूं सबसे ज़्यादा हाई होता है हिंदी माध्यम वालों का, ठीक है, हिंदी माध्यम वालों का। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों, धीरे धीरे सारे आपको आंसर मिलेंगे आज। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा, कुछ चीज़ें हो सकता है इधर उधर हो जाएं, उन्हें आप खुद भी ऐड करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। तो पैटर्न कहाँ से लिया गया, तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चेंज होता है तो वैश्विक स्तर पर चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ की चीज़ें उठाई जाती हैं, रिपोर्ट्स उठाई जाती हैं, क्या पैटर्न है वो भी देखा जाता है। तो ये 2011 के बाद जो भी पैटर्न बदला है सी सेट का, मेंस का, है ना, यानी कि सी सेट आया प्री का और मेंस का, तो ये आपका वेस्टर्न उठा लिया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, जो विकसित देशों के अंदर जो पैटर्न है सिविल सर्विसेज के लिए, वो पैटर्न यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया यूपीएससी के अंदर, ठीक है। और जो वहाँ का एकेडमिक स्तर क्या होता है फिर, दूसरा सवाल ये, क्योंकि वहाँ से उठा तो लिया वेस्टर्न का, लेकिन वहाँ का एकेडमिक स्तर जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है सभी के लिए। वहाँ पर कोई हिंदी मीडियम और कन्नड़ लैंग्वेज मीडियम ये सब नहीं होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा मुझे लगता है, वहाँ पर केवल एक ही मीडियम होता है, ये खास बात है। ज़्यादातर आप किसी भी देश में जाओगे तो अधिकतर देशों में और विकसित में तो बिल्कुल पूरी तरह से एक ही लैंग्वेज पर कार्य किया जाता है, यानी कि एक ही स्तर की स्टडी होती है, जबकि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा विविधता भरी हुई है हर चीज़ के अंदर। तो शिक्षा के अंदर भी विविधता है, वो विविधता यहाँ वहाँ पर तो सभी में बराबर है, और वो पैटर्न क्या किया गया यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया सी सेट लाकर और मेंस लाकर। सी सेट लाने का पर्पस क्या था यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए जो व्यक्ति क्या होता है कुछ चीज़ें पढ़ ली उसी में से आंसर निकाल के ले आया, बहुत सिंपल साधारण सी बुद्धि वाला होता है, कहने का तात्पर्य है बहुत ही सिंपल सी बुद्धि है, उसका कोई ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, पहले से चीज़ें पता है उसे, उसी के अनुसार अपना आंसर निकाल दिया, सचिन तेंदुलकर ऐसे दे दिया, उसके बारे में लिख जाइए आप और कर लीजिए। सी सेट लाने का पर्पस यही था कि मल्टी डायमेंशन लोग इस सिविल सर्विसेज के अंदर आए। मल्टी डायमेंशन क्यों, क्योंकि कार्यों में भी विविधता आ चुकी है सिविल सर्वेंट की। जो परंपरागत रूप से लोक प्रशासन होता था वो लोक प्रशासन का अर्थ अब बदल रहा है, विकास प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन कार्य कर रहा है इस समय, है ना। विकास से संबंधित बहुत सारी, एक डीएम की जो पोस्ट होती है, ये जो एग्जाम होता है केवल डीएम के लिए ही तो होता नहीं है, है ना, यहाँ से पीएसयू के अंदर भी जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, अपने उच्च अदर डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं यानी कि इस सर्विस के। तो उन डायमेंशन को कौन कवर कर पाएगा, जो व्यक्ति साधारण सा कुछ पैटर्न है उसी में से क्वेश्चन आ गए उसको लिखेगा, या फिर जो व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार तुरंत उसको चेंज हो जाए वो व्यक्ति उसमें काम अच्छे से करेगा। तो मुझे लगता है दूसरा वाला बिल्कुल सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ। सी सेट आते ही क्या हुआ, IITian और BTech जो अच्छे थे, हालांकि सभी नहीं, जो IITian जो एक तरह से वाकई में तुरंत फैसला लेने की स्थिति में होते हैं लोग, यानी कि वो लोग क्या हो गए, भरमार आने लग गई। एक एक व्यक्ति आपने सुना होगा इस प्रकार के आने लग गए सी सेट के द्वारा, जिनके 195 तक 200 में से नंबर सी सेट के अंदर आए, बहुत ज़्यादा योग्य एक तरह से मान चलिए, जिनकी मल्टी डायमेंशन
और वो यही, जैसे मान के चलिए आईआईएम वाला बंदा है, आईआईएम वाले बंदे के लिए सीसेट क्या है? कुछ नहीं, 150, 160, 170 नॉर्मल है उनके लिए, कुछ पढ़ते भी नहीं है तब भी एक तरह से आने ही आने हैं उनके लिए। तो मल्टी डायमेंशनल चीज को एक तरह से लेकर आने के लिए सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत अच्छा कदम था, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि भविष्य में ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। सीसेट जैसी जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एक तरह से। मल्टी डायमेंशनल अगर आपको लोग चाहिए तो सीसेट जैसी स्थिति होनी चाहिए, ना कि जीएस जैसी स्थिति। जीएस तो वही है, पढ़ के आप कर गए ख़त्म, वहीं के वहीं तुरंत बैठकर आप कर पा रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, वही मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति हो सकता है। तो ये चीज़ क्या थी? भविष्य की। हमने जो यूपीएससी कमेटी करता थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत से किस कितनी प्रकार की विविधता है, कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के मीडियम हैं। उन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर के लोग देख लिए, अच्छा यही आते हैं तैयारी करने के लिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं देखा, सरकारी स्कूल नहीं देखे, वहाँ से लोग आ रहे हैं, ये उन्होंने वहाँ पर क्या कर दी, कमी कर दी। तो एकेडमिक स्तर वेस्टर्न का बिल्कुल बराबर है। भारत में क्या होता है, स्टडी का स्तर क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम और अन्य भाषाएं, इस प्रकार से चीजें हो रही हैं इसके अंदर। और थर्ड नंबर पर हम लेते हैं थोड़ा सा परंपरागत कोचिंग संस्थान, इनको थोड़ा सा यहां पर बताना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं कि 2010 से पहले का जो स्वर्ण युग था वो आपका हिंदी माध्यम वालों के लिए था, और 2011 के बाद 2018-19 आने वाले समय में जो स्वर्ण युग रहेगा वो आपका अध्यापकों का स्वर्ण युग, मान लीजिए उसे, जो भी टीचर है ना, टीचर का स्वर्ण युग मान लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है अभी, ना टीचर को पता क्या हो रहा है ये, ना स्टूडेंट को पता क्या हो रहा है आखिरकार। भीड़ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जागरूकता आ चुकी है, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने स्तर पर उच्च लेवल की नौकरी प्राप्त करना चाहता है, और होना भी चाहिए, जागरूकता बढ़ रही है दिन ब दिन, साल दर साल क्या हो रहा है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है यूपीएससी की तैयारी करने वालों की। इसी प्रकार से कोचिंगों की भी भरमार होती जा रही है, ठीक है, टीचर्स की भरमार होती जा रही है। तो ये जो काल है वो अध्यापकों के लिए स्वर्ण काल बना, ना स्टूडेंट को पता क्या करना है, ना टीचरों को पता, टीचरों को अपने पढ़ाने से मतलब। कुछ लोगों ने मेहनत करी भी, कुछ लोगों ने करी भी उसका, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि वो रूट जो कॉज है उसको नहीं पकड़ पाया आखिरकार, रूट कॉज क्या है, क्योंकि रूट कॉज पकड़ ली तो हो सकता है अध्यापकों की स्तर में थोड़ा सा कमी आ जाए, क्योंकि अब अध्यापकों का ज़्यादा ज़्यादा रोल नहीं रहा है, लेकिन अध्यापकों की जो स्थिति है वो बढ़ती जाएगी। उसका रीजन ये है कि ना स्टूडेंट समझ पाएगा, ना ही आपका एक अध्यापक समझ पाएगा कि आखिरकार कारण क्या है इनके, खासकर हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। परंपरागत कोचिंग संस्थान में क्या होता है, टीचर जो होता है वो बहुत मेहनत करता है। जैसे मान के चलिए आप अकेडमिक पढ़े, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ केवल अभी, और फिर इंग्लिश मीडियम से तुलना करूंगा मैं। हिंदी मीडियम में क्या होता है, सीधी सीधी चीज़ें बताई जाती हैं, कोई भी रचनात्मकता वाली चीज़ें नहीं बताई जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है, पैसा। सरकारी स्कूल हुए हिंदी मीडियम के, उनको तो छोड़ ही दीजिए बिल्कुल, है ना, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। वो केवल और केवल क्या हुआ है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरह से बेरोजगार। अब एक आध का उदाहरण मत दीजिएगा कि एक आध वो निकल गया वहां से, सरकारी स्कूल से पढ़ा था, है ना, वो एक क्या होता है, भ्रम कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं हम लोगों को। मेन चीज क्या है, वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है ये देखिए ना, आज भी देखिए आप, 10 साल पहले भी देखिएगा, पैटर्न चेंज हुआ है ना। तो पैटर्न कहाँ का लिया गया, वेस्टर्न का। हमारी पढ़ाई क्या हो रही है, इंडियन। बस यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं चीजों को। इंग्लिश मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है क्या, इंग्लिश मीडियम है वेस्टर्न पैटर्न,
इंग्लिश मीडियम जो है वेस्टर्न पैटर्न है, और वेस्टर्न पैटर्न पर ही क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, नया पैटर्न हमारे यूपीएससी का। तो इसमें बाजी कौन मारेगा, जो बचपन से वेस्टर्न पैटर्न में पढ़ रहा है वो बाजी मारेगा, या फिर एक व्यक्ति आया इंडियन पद्धति से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, वो बाजी मारेगा, जिसको रचनात्मकता की ABCD भी नहीं पता है वो मारेगा। ऊपर से हमारे महान टीचर, महान टीचर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा अपने YouTube पर डाल देते हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारी चीजें डाल देते हैं और दिखाते हैं ये हमारे यहां से सिलेक्शन है इनका, हमारे यहां से सिलेक्शन, हजारों हजार पढ़ रहे हैं, 2000-4000। मैं उनकी मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग मेहनत करा रहे हैं, बात सही है, बिल्कुल सही है, और सिलेक्शन एक भी नहीं है, मैं गारंटी से कह सकता हूं सिलेक्शन एक भी नहीं है, क्योंकि टोटल मिला के 20-25-30-40 सिलेक्शन हो रहे हैं, हजारों हजार लड़के पढ़ रहे हैं। आपको क्या दे रहे हो आप उस चीज को क्यों नहीं खोज पा रहे हो, आप उस चीज को क्यों नहीं खोज पा रहे हो जो वहां पर जो कॉज है, कारण है, क्या कारण है आखिरकार, आप जो स्टडी कराते हो उसमें कारण ही तो होगा, बच्चे में कारण नहीं है, इंग्लिश मीडियम के क्यों निकल रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो सबसे ज्यादा आपकी कोचिंग में है, आप दावा कर रहे हो, सभी कोचिंग संस्थान से कह रहा हूं जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरी हालांकि कोचिंग नहीं है कोई भी फॉर्मल, लेकिन मैं खुद से भी बात कर रहा हूं, ये आखिरकार वो कारण क्या है कि हजारों हजार लोग पढ़ रहे हैं आपकी कोचिंग में, सिलेक्शन एक भी नहीं है, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी सिलेक्शन नहीं है, जो आपको दिखाए जाते हैं ना वीडियो, जो वीडियो दिखाए जाते हैं उनका बहुत ही, क्या बताऊं मैं आपको, कोई व्यक्ति आ गया प्री मेंस पास करके, उसे इंटरव्यू के लिए बिठा लिया, वीडियो बना लिया, उसको यूट्यूब पर डाल दिया, और लड़कों के मन में क्या हो गया, इसने तो कोचिंग कहां से करी है, इस कोचिंग संस्थान से करी है, गए भागे कोचिंग, भर गई कोचिंग, बहुत सारी खुल गई एक तरह से, बहुत सारी ऊपर गई, करोड़ों अरबों रुपए छाप दिए एक तरह से मान के चलिए, और उनका हक भी बनता है छापना, उसमें गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन गलती कहां पर है, पूरे के पूरे हिंदी मीडियम के पैटर्न पर ही गलती है, पूरे का पूरा हिंदी मीडियम एक तरह से घोर, एक तरह से निराशा में जाने वाला है एक तरह से, ये मान के चलिए, क्यों, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है ये, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा हिंदी मीडियम, बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर यही चलता रहा तो, आप करते रहिएगा तैयारी और जीरो पर ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं आने दूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और टीचर्स तक पहुँचे जो पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है उसका। तो क्या हुआ, यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आराम करते हैं, यहाँ के हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, सारी मेहनत कौन करता है, टीचर करता है, टीचर बेचारा पढ़ रहा है, चीज़ों को लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि चंद पैसों के लिए उसे पैसे मिलने वाले हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, खुद को भी शामिल कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहे हैं वो तैयारी, आपको जो है मेहनत नहीं करने दिया जा रहा है बिल्कुल भी, आपको मेहनत नहीं करने दिया जा रहा है। और जो इंग्लिश मीडियम वालों की बात करोगे आप, कि वो भी तो कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बचपन से आए हुए हैं उस स्थिति से, वेस्टर्न पैटर्न से, तो उनके लिए क्या है, वो दिशा है, निर्देश है, आपको क्या करना है, नए सिरे से पढ़ना है पूरा का पूरा, हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम को क्या करना है, वेस्टर्न पैटर्न के अनुसार ढलना है। वो वेस्टर्न पैटर्न होता क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वेस्टर्न पैटर्न है क्या, इंडियन पैटर्न क्या होता है, यहां पर टीचर मेहनत करता है, स्टूडेंट सोता है, स्टूडेंट ना केवल चीजें आ गई, नोट्स मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, बस पढ़ लो उसे, और किसी के वीडियो मिल गए उसे देख लो, किसी ने हिस्ट्री पढ़ा दी उसको देख लो, किसी ने ज्योग्राफी बता दी उसको देख लो, देखने पर लगे हुए, यानी कि दूसरा मेहनत करके दे, हमें कुछ ना करना पड़े, आराम से रजाई में लेटे लेटे कान में लीड लगाई और देखने लग जाए,
देख रहा है कोई व्यक्ति, मुझे भी देख रहा होगा इस समय कोई ना कोई, इसी प्रकार से जो मैं बात कर रहा हूँ देख रहा हूँ, कुछ ऐसा मिल जाए मुझे कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब बिना सिर हिलाए कुछ भी मानसिक स्तर अपना बिना चलाए, वीडियो मिल गया देख लिया बस हो गया, हो गई मतलब हिस्ट्री पूरी हो गई, कवर हो गई। ये पैटर्न है इंडियन पैटर्न, है ना, इंडियन पैटर्न है ये। यहाँ पर हमको चेंज लाना होगा, चेंज लाना होगा पूरी तरह से, हमें वेस्टर्न पैटर्न के अनुसार पढ़ना होगा दोस्तों, वरना हिंदी मीडियम बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर ही मान के चलिए। इस समय आपको एक दो वीडियो मिल जाता है टॉपर्स का, जो हिंदी मीडियम से टॉपर होते हैं, तो आप सोचते हो कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हो तो रहे हैं, जो मेहनत करते हैं वो उनका होता तो है, आप ये कहोगे कि जो मेहनत करता है उसका होता है, ये बिल्कुल सही है, मेहनत करने वाले का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम मेहनत नहीं कर रहा है, हिंदी मीडियम वालों ने एक तरह से इतने लोग अमीर बना दिए कोचिंग संस्थान वाले, लेकिन उन्होंने हिंदी मीडियम को अमीर नहीं बना पाया, वो हिंदी मीडियम को अमीर नहीं बना पाए, उसका रीज़न ये था कि वो उस कॉज को नहीं पहचान रहे हैं जो है यूपीएससी की, यूपीएससी की स्टडी के लिए किस प्रकार से आपको चीज़ें करनी होंगी, आखिरकार इंग्लिश मीडियम क्यों आगे है, हिंदी मीडियम क्यों पीछे है, उस कारण को नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग। वो समझेंगे भी तब भी आपको नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि शिक्षा धंधा है, धंधा बन चुकी है शिक्षा, इस वजह से। अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में, हम सकारात्मक रहेंगे, आने वाले समय में क्या चेंज हो सकता है उसको करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी होंगे पढ़ाने वाले पढ़ने वाले उनका मानसिक नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा, और बदल जाना चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो, वरना पढ़ते रहिए कितना भी, देखते रहिए कितने भी वीडियो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 10, 20, 5, 6 एक सिलेक्शन होगा ना, उसमें भी कहने वाले आपको मिल जाएंगे कि एक सीट तो है, एक व्यक्ति का तो हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होने से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब है अपना परसेंटेज बढ़ाने से, जितने ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 10 लोग सेलेक्ट हो गए हिंदी मीडियम से, तो ये मत सोचिए कि हो तो रहे हैं, मैं होकर दिखाऊंगा, बिल्कुल हो गए, आप में से ही हो गए, लेकिन हमें ये परसेंटेज बढ़ाना होगा, फिर से वो स्वर्ण युग लेके आना होगा जो 2010 से पहले था, पैटर्न बदल के नहीं, खुद को बदल के, खुद को बदलना होगा इसके लिए, और खुद को बदलने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ आपके साथ। क्या क्या करना होगा वो सारी चीज़ें मैं अब बताने वाला हूँ आपको, सारी चीज़ें क्या क्या करना होगा आपको, वेस्टर्न पैटर्न में कैसे ढलना होगा आखिरकार, बेस्ट है इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, तो फोर्थ स्टेप जो है जिस पर हम बात करेंगे वो है आपका इंग्लिश मीडियम वर्सेज हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम यानी अन लैंग्वेज भी उसमें मान लीजिए, और मैं हिंदी पट्टी से हूं तो हिंदी मीडियम की ही बात कर रहा हूं यहां पर। देखिए, इंग्लिश मीडियम में क्या होती है, रचनात्मकता होती है जो कि बैटर्न पैटर्न पर आधारित है ना, रचनात्मकता ही उसका मूल उद्देश्य होता है इंग्लिश मीडियम वालों का। आप देखिए अपने चारों तरफ, कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे जिनके बच्चे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, कुछ के आसपास होंगे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ने वाले, ज़रा उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उन बच्चों को क्या तब्दीली नज़र आती है आपको, क्या तब्दीली है उनके अंदर, जो इंग्लिश मीडियम का हो स्टूडेंट उसको देखिए क्या तब्दीली है उसके अंदर, रचनात्मकता भरी पड़ी होती है, इतना उनसे करवाया जाता है, खुद से उनसे इतना करवाया जाता है, बचपन से ही इतना मजबूत बनाया जाता है उनको कि उनके अंदर खुद करने की क्षमता जागृत हो जाती है, वो किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, खुद करने की क्षमता होती है उनके अंदर, नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, ये किया जाएगा, उन पर दबाव डाला जाएगा। देखिए, आपको यूपीएससी करना है तो दबाव तो झेलना होगा, और दबाव झेलना होगा तो रचनात्मकता लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, उन दबाव को झेलना होगा तो
कितने दबाव डाले जाते हैं, देखिए ये पैटर्न वो पैटर्न, बच्चों का बोझ बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये सब क्या है, दबाव है। जब तक वो दबाव नहीं झेलेंगे यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो वो शुरुआत से ही स्टार्टिंग हो जाती है कि आने वाले समय में कितना दबाव पड़ने वाला है एक स्टूडेंट के अंदर, जीवन का, किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्विस में जाएंगे वो दबाव पड़ने वाला है। तो उस दबाव को शुरू से ही बचपन से क्यों ना डाला जाए। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि स्कूल का बैग कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, रचनात्मकता आ रही है, बैग क्यों कम कर रहे हो, टैबलेट लेकर आओ, उसमें सब्जेक्ट कम करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करवाओ, है ना। तो ये चीज़ है, रचनात्मकता बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न पैटर्न में। और पूरा इंग्लिश मीडियम यानी कि CBSE, ICSE और भी जो अन्य बोर्ड हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो पूरी तरह से रचनात्मकता पर आधारित हैं। हमारा जो हिंदी मीडियम है उसमें रचनात्मकता की कमी है, क्योंकि वो भारतीय पद्धति पर आधारित है। भारतीय पद्धति गुरु और शिष्य पर आधारित रही है प्राचीन काल से ही, आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। यहाँ पर क्या होता है, गुरु ही सर्वे सर्वा माना जाता है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है जीवन भर, जीवन भर स्टूडेंट रहता है। गुरु को यहाँ पर ज़्यादा एक तरह से तवज्जो दी जाती है जबकि शिष्य को नहीं। मेरा पर्सनल मानना है गुरु की कोई भी महिमा नहीं होती है, ना ही हमें महिमा मंडन करना चाहिए किसी भी गुरु का। अगर गुरु में कुछ टैलेंट होता तो हजारों हजार बनते, एक क्लास में बैठा हुआ दो व्यक्ति क्यों बनते हैं। वो स्टूडेंट में कमाल होता है, वो स्टूडेंट में कमाल होता है। बस गुरु क्या होता है, एक सही राह दिखा सकता है सबको। उस राह पर चलने वाला कौन होता है, एक स्टूडेंट ही होता है, उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो पद्धति बनी हुई है, गुरु ही सर्वे सर्वा, गुरु ही सब कुछ है, वो सर्वे सर्वा नहीं है, वो केवल एक मार्गदर्शक है। आप किसी भी UPSC के टीचर से बात करिए किसी भी, तो वो एक तरह से क्या दर्शाते हैं वहाँ पर, सर्वे सर्वा टाइप का, मैं बना दूंगा तुझे, मैं बना दूंगा IAS। खुद तो बन नहीं सके, वो दूसरों को एक तरह से बनाएंगे। ये मैं खुद के लिए भी यूज कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैं आपको नहीं बना पाऊँगा, आपको खुद को बनना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी। हाँ बस थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी टीचर को या फिर मुझे, तो उस एक्सपीरियंस को क्या करेगा, सही दिशा में ले जाने का आपको कार्य करेगा, बस ये कर सकता है एक, और वो भी बराबरी स्तरी पर। आप मेहनत करेंगे बराबर, हम भी मेहनत करेंगे, यानी कि जो आपको समझा रहा है बता रहा है बड़ा भाई है आपका, मान के चलिए जिसे आप गुरु बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन सर्वे सर्वक कभी मत मानिए किसी भी गुरु को, ना उसके फैन बनिए, ना उसके फैन बनिए कभी भी कि गुरु फैन है, मैं गुरु का फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा ये हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा तभी करना होगा, रचनात्मक तभी बनेंगे। वो आपको दिशा दिखा रहा है, बस उस पर आप चलते जाइए, आप चलते जाइए, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो उसका स्तर क्या है, उसके सोचने कहीं उसी में, गुरु में तो क्रिएटिविटी कम नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। सब लगे पड़े हैं, भरमार एक तरह से हो गई है, कहाँ पर, यूट्यूब पर भरमार हो गई है सब। सब क्या, सब ने क्या किया है, गुलाम बना लिए हैं टीचर, कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये एक वीडियो को दे रहा है बनाने के। मैं भी चाहूँ तो अभी 4, 6, 10, 20 टीचर एक तरह से लेके आऊँ और भरमार मार दूँ इसमें, लो UPSC के लिए पढ़ाओ। इससे क्या होगा, वो भी गुलाम, मैं भी गुलाम, मुझे भी देखना होगा वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो भी एक तरह से गुलाम हो गए, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। मुझे मान लीजिए 1000 मिलेंगे, मैं उन्हें 500 दूंगा, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये खुला प्लेटफॉर्म है, यदि आप में क्षमता है आप खुद अपना कर सकते हो, अच्छे अच्छे अच्छा दे सकते हो, और रियल चीज़ दीजिए ना, रियल चीज़ दीजिए, जो आप में एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए रियल, ये सबसे बेहतर होगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो तोड़नी होगी थोड़ी सी, दिशा निर्देशक के रूप में ही बस कार्य करना होगा। सबसे पहला जो गुरु खुद को कह रहे हैं उनको, रचनात्मकता की कमी है हिंदी मीडियम वालों के अंदर, बिल्कुल भी खुद नहीं करना चाहते हैं, खुद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब आपको ये चीज़ें क्या लगेंगी, थोड़ी सी उपदेशात्मक लगेंगी,
लेकिन बदलाव मैं लेकर आऊँगा, ये मेरा विश्वास है। यदि आपने साथ दिया तो आप मेरे साथ चलिएगा, बिल्कुल कदम दर कदम मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कितनी हेल्प करनी है आपकी उतनी ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, जितनी करनी चाहिए। तो आगे की राह क्या है, आगे आखिरकार क्या होने वाला है, क्या होगा जिससे ये स्थिति में बदलाव आए, वेस्टर्न पैटर्न पर हिंदी मीडियम को लेकर जाया जाए। हमारा चैनल अब इसी पर कार्य करने वाला है, जिसमें मैं ही हूँ, मैं ही आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल पूरी तरह से आपको मेहनत करनी होगी, मैं आपको बताऊँगा कैसे करनी है आपको मेहनत, खुद देखूँगा मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अपने स्तर पर रहकर, क्योंकि मुझे वो स्वर्ण युग एक तरह से हिंदी मीडियम का वापस लेकर आना है। ये आपको बड़ी बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं इसे संभव बनाने के लिए अपने स्तर से सारे प्रयास करूँगा और मुझे उम्मीद है वो आएगा। तो आगे की राह क्या है, हम वेस्टर्न पद्धति को अपनाएंगे स्टडी के अंदर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस वेस्टर्न पद्धति को बहुत बेहतर ढंग से और आने वाले स्तर को, यानी कि क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, कैसे कैसे स्टडी की जाएंगी, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये बेहतर है ही है, जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल देखें और दूसरों को इस तक शेयर करें कि क्या है आखिरकार वेस्टर्न पद्धति, जो है कैसे पढ़ा जाता है वेस्टर्न पद्धति से। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ को जानते हैं, उनके जीन के अंदर बचपन से ही ये चीज़ घुस जाती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा सी उन्हें राह मिली तुरंत निकल जाते हैं वो लोग। भारतीय नहीं, भारतीय केवल क्या करते हैं, ये मुझे बताएगा तभी मैं पढ़ूंगा, तभी क्लास करूंगा, तभी सब्जेक्ट करूंगा, जब कोई मुझे बताएगा, जब मुझे कोई पढ़ाएगा। जबकि उनसे ये कह दो कि ये बुक पढ़नी है आपको और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बस जो मेहनत थोड़ी सी कर सकते हैं हमें एक्सपीरियंस के आधार पर, वो मेहनत हमें करनी है, मेहनत आपको करनी होगी। IAS आपको ये समझिएगा कोई नहीं बना सकता है आपके सिवाय, आपको खुद ही बनना होगा। तो आगे की राह में वेस्टर्न पद्धति अपनाएंगे हम, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी केवल वही दिया जाएगा, बस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, भरमार नहीं दी जाएगी, जिस चीज़ की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो काम आप खुद से कर सकते हो वो यहाँ पर बिल्कुल भी करवाया नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इसी से आपकी रचनात्मकता ख़त्म होती है। जो हम करवाने लग जाएं, मैं मान लीजिए वीडियो बनाने लग जाऊं, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं वीडियो बनाने लग जाऊं, लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने लग जाऊं पूरी किताब, क्या फ़ायदा उससे, वो रचनात्मकता आपके अंदर कैसे आएगी मेरे वीडियो सुनकर, या फिर खुद का दिमाग यूज कर उसमें। हम बात करेंगे वेस्टर्न पद्धति पर नेक्स्ट वीडियो में, पूरा फोकस जो होगा सेल्फ स्टडी पर ही होगा, सेल्फ स्टडी ही मेन चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। जो लोग कोचिंग कर भी लेते हैं ना, कर भी लेंगे, तब भी सेल्फ स्टडी ही काम आएगी अंत में, चाहे आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लीजिए, किसी के भी इंटरव्यू सुन लीजिए, सेल्फ स्टडी के सिवा ये कोचिंग एक भ्रम मान लीजिए बस, और पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ केवल भ्रम है ये मान के चलिएगा। बस कोई अच्छा आपको बताने वाला मिल जाए, जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो उसे, बस काफ़ी है, और उसके अंदर देखिए सकारात्मकता है कि नहीं है जो आपको बता रहा है, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, आपके साथ कोई हो, जैसा कि मैंने बात करी, जो आपको भटकने ना दे, 24 घंटे आपके साथ रहे, उसके लिए मैं हूँ आपके साथ में पूरी तत्परता के साथ। मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल अब तैयार हूँ, आप अपना बोझ मुझ पर डाल सकते हो, क्योंकि वो मुझे अब बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ हिंदी मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए दिल से अब मैं काम करूँगा, उसी के आधार पर अब सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल नए स्तर पर जो 2019 का दे रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली प्री का कुछ ट्रीटमेंट दूंगा। जैसा कि मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था अभी, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे लोगों के, मैंने पिछले साल कुछ ट्रिक्स बताई थी आपको UPSC वालों को। देखिए ये वीडियो लंबा जा रहा है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक घंटा दो घंटा खराब कर लीजिए थोड़े से, क्योंकि इसी से चीज़ें निकलेंगी। तो मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक मुझे नाम नहीं आ रहा, शायद अमित नाम था या कुछ, मुझे नाम ध्यान नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि
कि मैंने थोड़ा सा कम पढ़कर भी मेरे 52 क्वेश्चन सही हुए, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया उन्होंने फिर भी उनके 52 क्वेश्चन सही हुए प्री के अंदर। और उसका क्रेडिट किसे दिया, जो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह जो बताई थी उनको, है ना। उसमें से कुछ ट्रिक्स जो थी ना थोड़ी सी लगभग 10% थोड़ी सी मिस हो गई थी, यानी कि वो गलत दिशा में थी, लेकिन उसके लिए भी आपको रचनात्मक होना चाहिए था, तब वो ट्रिक्स काम करती इस बार के उसमें। और मैं इस बार फिर से वो चीज़ लेके आने वाला हूँ और बहुत बेहतर स्तर पर, 100% स्तर पर 2019 का जो देने जा रहे हैं उनके साथ में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जितनी भी आपकी तैयारी हो, आपके मानसिक स्तर से जितने भी आप रचनात्मक हों, कितने भी आप रचनात्मक हों, 20 क्वेश्चन की मेरी जिम्मेदारी है बढ़ाने की, 20 क्वेश्चन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ बिल्कुल, कि 20 क्वेश्चन आपके बढ़ा दूंगा मैं अपने स्तर से, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता के क्वेश्चन पेपर कैसे हल करना है, किस प्रकार से ट्रिक्स काम करेंगी वो बिल्कुल लाइव आपको बताऊंगा 2019 वालों के लिए। और 2020, 21, 22 10 साल तक के पैटर्न के लिए वो मेरे साथ रहें बिल्कुल, ठीक है। आपको बिल्कुल वेस्टर्न पैटर्न पर मैं तब्दील कर दूंगा, आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत हम एंशियंट हिस्ट्री से करने वाले हैं, वो मैं क्या क्या करूँगा कैसे करूँगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कोई भी पेड वीडियो या ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में कुछ पैसे लेने लग जाऊँ वीडियोस के अपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये मेरा विश्वास कीजिए। क्योंकि अब मैं हिंदी मीडियम के लिए काम करने जा रहा हूँ, मैं अपना उद्देश्य वही बनाना चाहता हूँ, उस स्वर्ण युग को वापस लाना। मेरा बस एक ही आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन जो घंटा है उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मेरा आप तक पहुंच जाए। क्योंकि अब बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उसको आप देखो, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा बारीकी से बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा थोड़ा सा बारीकी से बात करूंगा स्टडी से संबंधित। ये थी कुछ चीज़ें यूपीएससी में, हिंदी माध्यम वालों को यूपीएससी को समझना होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री देखी हमने, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार से पैटर्न है हिंदी मीडियम वालों का, दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ है, वेस्टर्न ईस्टर्न पैटर्न, यहाँ के टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और जिसमें मैं सफल रहा हूँ, मुझे पता है आप तक वो चीज़ें पहुँच गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की राह देखेंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग, मैं आपको साथ हूँ बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत करने के लिए। आप को मेहनत करनी होगी, आपको रचनात्मक बनना होगा, और मैं आपको रचनात्मक बना दूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, तो फोर्थ स्टेप जो है जिस पर हम बात करेंगे वो है आपका इंग्लिश मीडियम वर्सेज हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम यानी अन लैंग्वेज भी उसमें मान लीजिए, और मैं हिंदी पट्टी से हूँ तो हिंदी मीडियम की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, इंग्लिश मीडियम में क्या होती है, रचनात्मकता होती है, जो कि बेटन पैटर्न पर आधारित है, है ना। रचनात्मकता ही उसका मूल उद्देश्य होता है इंग्लिश मीडियम वालों का। आप देखिए अपने चारों तरफ, कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे जिनके बच्चे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, कुछ के आसपास होंगे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ने वाले, जरा उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उन बच्चों को क्या तब्दीली नज़र आती है आपको, क्या तब्दीली है उनके अंदर। जो इंग्लिश मीडियम का हो स्टूडेंट उसको देखिए, क्या तब्दीली है उसके अंदर, रचनात्मकता भरी पड़ी होती है। इतना उनसे करवाया जाता है, खुद से उनसे इतना करवाया जाता है, बचपन से ही इतना मजबूत बनाया जाता है उनको, कि उनके अंदर खुद करने की क्षमता जागृत हो जाती है, वो किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, खुद करने की क्षमता होती है उनके अंदर। नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, ये किया जाएगा, उन पर दबाव डाला जाएगा। देखिए, आपको यूपीएससी करना है तो दबाव तो झेलना होगा, और दबाव झेलना होगा तो रचनात्मकता लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, उन दबाव को झेलना होगा। तो कितने दबाव डाले जाते हैं, देखिए ये पैटर्न वो पैटर्न, बच्चों का बोझ बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये सब क्या है, दबाव है। जब तक वो दबाव नहीं झेलेंगे यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो वो शुरुआत से ही स्टार्टिंग हो जाती है कि आने वाले समय में कितना दबाव पड़ने वाला है एक स्टूडेंट के अंदर, जीवन का, किसी भी चीज़ का,
किसी भी सर्विस में जाएंगे, वो दबाव पड़ने वाला है, तो उस दबाव को शुरू से ही बचपन से क्यों ना डाला जाए। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि स्कूल का बैग कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? रचनात्मकता आ रही है, बैग क्यों कम कर रहे हो? टैबलेट लेकर आओ, उसमें सब्जेक्ट कम करने से क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करवाओ, है ना। तो ये चीज़ है, रचनात्मकता बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न पैटर्न में। और पूरा इंग्लिश मीडियम यानी कि CBSE, ICSE और भी जो अन्य बोर्ड हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो पूरी तरह से रचनात्मकता पर आधारित हैं। हमारा जो हिंदी मीडियम है उसमें रचनात्मकता की कमी है, क्योंकि वो भारतीय पद्धति पर आधारित है। भारतीय पद्धति गुरु और शिष्य पर आधारित रही है प्राचीन काल से ही। आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, यहाँ पर क्या होता है, गुरु ही सर्वे सर्वा माना जाता है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है जीवन भर, जीवन भर स्टूडेंट रहता है। गुरु को यहाँ पर ज़्यादा एक तरह से तवज्जो दी जाती है, जबकि शिष्य को नहीं। मेरा पर्सनल मानना है गुरु की कोई भी महिमा नहीं होती है, ना ही हमें महिमा मंडन करना चाहिए किसी भी गुरु का। अगर गुरु में कुछ टैलेंट होता तो हजारों हजार बनते। एक क्लास में बैठा हुआ दो व्यक्ति क्यों बनते हैं? वो स्टूडेंट में कमाल होता है, वो स्टूडेंट में कमाल होता है। बस गुरु क्या होता है, एक सही राह दिखा सकता है सबको। उस राह पर चलने वाला कौन होता है? एक स्टूडेंट ही होता है, उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो पद्धति बनी हुई है, गुरु ही सर्वे सर्वा, गुरु ही सब कुछ है, वो सर्वे सर्वा नहीं है, वो केवल एक मार्गदर्शक है। आप किसी भी UPSC के टीचर से बात करिए, किसी भी, तो वो एक तरह से क्या दर्शाते हैं वहाँ पर, सर्वे सर्वा टाइप का, मैं बना दूंगा IAS। खुद तो बन नहीं सके, वो दूसरों को एक तरह से बनाएंगे। ये मैं खुद के लिए भी यूज कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैं आपको नहीं बना पाऊँगा। आपको खुद को बनना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी। हाँ, बस थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी टीचर को या फिर मुझे, तो उस एक्सपीरियंस को क्या करेगा, सही दिशा में ले जाने का आपको कार्य करेगा। बस ये कर सकता है एक, और वो भी बराबरी स्तरी पर। आप मेहनत करेंगे बराबर, हम भी मेहनत करेंगे, यानी कि जो आपको समझा रहा है बता रहा है बड़ा भाई है आपका, मान के चलिए, जिसे आप गुरु बोल लीजिए कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन सर्वे सर्वा कभी मत मानिए किसी भी गुरु को, ना उसके फैन बनिए कभी भी। ये गुरु फैन है, मैं गुरु का फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा ये हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा तभी करना होगा, रचनात्मक तभी बनेंगे। वो आपको दिशा दिखा रहा है, बस उस पर आप चलते जाइए। लेकिन ये भी देखना होगा कि वो उसका स्तर क्या है, उसके सोचने कहीं उसी में गुरु में तो क्रिएटिविटी कम नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। सब लगे पड़े हैं, भरमार एक तरह से हो गई है, कहाँ पर, यूट्यूब पर भरमार हो गई है सब। सब क्या, सब ने क्या किया है, गुलाम बना लिए हैं टीचर। कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये एक वीडियो को दे रहा है बनाने के। मैं भी चाहूँ तो अभी 4, 6, 10, 20 टीचर एक तरह से लेके आऊँ और भरमार मार दूँ इसमें, लो UPSC के लिए पढ़ाओ। इससे क्या होगा, वो भी गुलाम, मैं भी गुलाम, मुझे भी देखना होगा वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। वो भी एक तरह से गुलाम हो गए, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मुझे मान लीजिए 1000 मिलेंगे, मैं उन्हें 500 दूंगा, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये खुला प्लेटफॉर्म है, यदि आप में क्षमता है आप खुद अपना कर सकते हो, अच्छा दे सकते हो, और रियल चीज़ दीजिए ना, रियल चीज़ दीजिए, जो आप में एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए रियल, ये सबसे बेहतर होगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो तोड़नी होगी थोड़ी सी, दिशा निर्देशक के रूप में ही बस कार्य करना होगा। सबसे पहला जो गुरु खुद को कह रहे हैं उनको, रचनात्मकता की कमी है हिंदी मीडियम वालों के अंदर, बिल्कुल भी खुद नहीं करना चाहते हैं, खुद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब आपको ये चीज़ें क्या लगेंगी, थोड़ी सी उपदेशात्मक लगेंगी, लेकिन बदलाव मैं लेकर आऊँगा, ये मेरा विश्वास है। यदि आपने साथ दिया तो आप मेरे साथ चलिएगा, बिल्कुल कदम दर कदम, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कितनी हेल्प करनी है आपकी उतनी ही करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा, जितनी
करनी चाहिए। तो आगे की राह क्या है, आगे आखिरकार क्या होने वाला है, क्या होगा जिससे ये स्थिति में बदलाव आए, वेस्टर्न पैटर्न पर हिंदी मीडियम को लेकर जाया जाए। हमारा चैनल अब इसी पर कार्य करने वाला है, जिसमें मैं ही हूँ, मैं ही आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल पूरी तरह से। आपको मेहनत करनी होगी, मैं आपको बताऊँगा कैसे करनी है आपको मेहनत, खुद देखूँगा मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अपने स्तर पर रहकर, क्योंकि मुझे वो स्वर्ण युग एक तरह से हिंदी मीडियम का वापस लेकर आना है। ये आपको बड़ी बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं इसे संभव बनाने के लिए अपने स्तर से सारे प्रयास करूँगा और मुझे उम्मीद है वो आएगा। तो आगे की राह क्या है, हम वेस्टर्न पद्धति को अपनाएंगे स्टडी के अंदर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस वेस्टर्न पद्धति को बहुत बेहतर ढंग से और आने वाले स्तर को, यानी कि क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, कैसे कैसे स्टडी की जाएंगी। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये बेहतर है ही है, जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल देखें और दूसरों को इस तक शेयर करें कि क्या है आखिरकार वेस्टर्न पद्धति, जो है कैसे पढ़ा जाता है वेस्टर्न पद्धति से। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ को जानते हैं, उनके जीन के अंदर बचपन से ही ये चीज़ घुस जाती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा सी उन्हें राह मिली तुरंत निकल जाते हैं वो लोग। भारतीय नहीं, भारतीय केवल क्या करते हैं, ये मुझे बताएगा तभी मैं पढ़ूंगा, तभी क्लास करूंगा, तभी सब्जेक्ट करूंगा, जब कोई मुझे बताएगा, जब मुझे कोई पढ़ाएगा। जबकि उनसे ये कह दो कि ये बुक पढ़नी है आपको और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बस जो मेहनत थोड़ी सी कर सकते हैं हमें एक्सपीरियंस के आधार पर, वो मेहनत हमें करनी है, मेहनत आपको करनी होगी। आईएएस आपको ये समझिएगा कोई नहीं बना सकता है आपके सिवाय, आपको खुद ही बनना होगा। तो आगे की राह में वेस्टर्न पद्धति अपनाएंगे हम, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी केवल वही दिया जाएगा, बस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, भरमार नहीं दी जाएगी। जिस चीज़ की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो काम आप खुद से कर सकते हो, वो यहाँ पर बिल्कुल भी करवाया नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इसी से आपकी रचनात्मकता ख़त्म होती है। जो हम करवाने लग जाएं, मैं मान लीजिए वीडियो बनाने लग जाऊं, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं वीडियो बनाने लग जाऊं, लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने लग जाऊं पूरी किताब, क्या फ़ायदा है उससे, वो रचनात्मकता आपके अंदर कैसे आएगी मेरे वीडियो सुनकर, या फिर खुद का दिमाग यूज कर उसमें। हम बात करेंगे वेस्टर्न पद्धति पर नेक्स्ट वीडियो में, पूरा फोकस जो होगा सेल्फ स्टडी पर ही होगा, सेल्फ स्टडी ही मेन चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। जो लोग कोचिंग कर भी लेते हैं ना, कर भी लेंगे, तब भी सेल्फ स्टडी ही काम आएगी अंत में। चाहे आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लीजिए, किसी के भी इंटरव्यू सुन लीजिए, सेल्फ स्टडी के सिवा ये कोचिंग एक भ्रम मान लीजिए बस, और पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ केवल भ्रम है ये मान के चलिएगा। बस कोई अच्छा आपको बताने वाला मिल जाए, जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो उसे, बस काफ़ी है। और उसके अंदर देखिए सकारात्मकता है कि नहीं है, जो आपको बता रहा है, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, आपके साथ कोई हो, जैसा कि मैंने बात करी, जो आपको भटकने ना दे, 24 घंटे आपके साथ रहे, उसके लिए मैं हूँ आपके साथ में पूरी तत्परता के साथ। मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल अब तैयार हूँ, आप अपना बोझ मुझ पर डाल सकते हो, क्योंकि वो मुझे अब बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ हिंदी मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए दिल से अब मैं काम करूँगा। उसी के आधार पर अब सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल नए स्तर पर, जो 2019 का दे रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली प्री का कुछ ट्रीटमेंट दूंगा। जैसा कि मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था अभी, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे लोगों के, मैंने पिछले साल कुछ ट्रिक्स बताई थी आपको UPSC वालों को। देखिए ये वीडियो लंबा जा रहा है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक घंटा दो घंटा खराब कर लीजिए थोड़े से, क्योंकि इसी से चीज़ें निकलेंगी। तो मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक, मुझे नाम नहीं आ रहा, शायद अमित नाम था या कुछ, मुझे नाम ध्यान नहीं है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैंने थोड़ा सा कम पढ़कर भी मेरे 52 क्वेश्चन सही हुए, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया उन्होंने, फिर भी उनके 52 क्वेश्चन सही हुए प्री के अंदर। और उसका क्रेडिट किसे दिया, जो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह जो बताई थी उनको,
है ना, उसमें से कुछ ट्रिक्स जो थी ना थोड़ी सी, लगभग लगभग 10% थोड़ी सी मिस हो गई थी, यानी कि वो गलत दिशा में थी, लेकिन उसके लिए भी आपको रचनात्मक होना चाहिए था, तब वो ट्रिक्स काम करती इस बार के उसमें। और मैं इस बार फिर से वो चीज़ लेके आने वाला हूँ और बहुत बेहतर स्तर पर, 100% स्तर पर 2019 का जो देने जा रहे हैं उनके साथ में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जितनी भी आपकी तैयारी हो, आपके मानसिक स्तर से जितने भी आप रचनात्मक हों, कितने भी आप रचनात्मक हों, 20 क्वेश्चन की मेरी जिम्मेदारी है बढ़ाने की, 20 क्वेश्चन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बिल्कुल कि 20 क्वेश्चन आपके बढ़ा दूंगा मैं अपने स्तर से, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता के क्वेश्चन पेपर कैसे हल करना है, किस प्रकार से ट्रिक्स काम करेंगी, वो बिल्कुल लाइव आपको बताऊंगा 2019 वालों के लिए, और 2020 21 22 10 साल तक के पैटर्न के लिए वो मेरे साथ रहें बिल्कुल, ठीक है। आपको बिल्कुल वेस्टर्न पैटर्न पर मैं तब्दील कर दूंगा, आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत हम एंशियंट हिस्ट्री से करने वाले हैं, वो मैं क्या क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कोई भी पेड वीडियो या ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में कुछ पैसे लेने लग जाऊँ वीडियोस के अपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि अब मैं हिंदी मीडियम के लिए काम करने जा रहा हूँ, मैं अपना उद्देश्य वही बनाना चाहता हूँ, उस स्वर्ण युग को वापस लाना। मेरा बस एक ही आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन जो घंटा है उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मेरा आप तक पहुंच जाए, क्योंकि अब बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उसको आप देखो, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा बारीकी से बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा थोड़ा सा बारीकी से बात करूंगा स्टडी से संबंधित। ये थी कुछ चीज़ें यूपीएससी में, हिंदी माध्यम वालों को यूपीएससी को समझना होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री देखी हमने, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार से पैटर्न है हिंदी मीडियम वालों का, दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ है, वेस्टर्न ईस्टर्न पैटर्न, यहाँ के टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और जिसमें मैं सफल रहा हूँ, मुझे पता है आप तक वो चीज़ें पहुँच गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की राह देखेंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग, मैं आपको साथ हूँ बिल्कुल पूरी तरह से, मेहनत करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको रचनात्मक बनना होगा, और मैं आपको रचनात्मक बना दूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।